केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यानी कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कांग्रेस के उस दावे पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। दरअसल लंबे अरसे के बाद सोमवार को ग्वालियर पहुंची यशोधरा राजे सिंधिया ने मीडिया के लोगों को कांग्रेस के दावे पर प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने सवाल का कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं जो इस पर सही जवाब देंगे। शिवपुरी जिले से लगातार बीजेपी छोड़ने और उनके नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया पर पूछने पर यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा, भारत में डेमोक्रेसी है, सबको स्वतंत्रता है, किसे आना है वह आए, जिसे जाना है वह जाए। इस तरह से उन्होंने ग्वालियर प्रवास पर पहुंची मध्य प्रदेश की मंत्री ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत तो किया ही गया, लेकिन उन्होंने मीडिया के सवालों से बचाव करते हुए अपने आप को अलग रखा। बता दें कि भोपाल खेल परिसर हो या फिर ग्वालियर खेल परिसर, यहाँ जो भी विकास हुए हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसके साथ ही मीडिया के सवालों से हर बार बचते हुए नजर आई। जाहिर तौर पर यशोधरा राजे सिंधिया को शायद बीजेपी के आला कमान की तरफ से कोई सख्त निर्देश दिए गए हैं जिसके कारण वे राजस्थान के चुनाव के ऊपर कुछ भी बोलने से कतरा रही हैं, या फिर शायद गहलोत सरकार से जिस तरह से उनकी नज़दीकियों की बात सामने आ रही है और इसको लेकर सचिन पायलट ने भी उन्हें घेरने की कोशिश की थी। अब शायद यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बारे में भी फिलहाल कुछ बोलने से घबरा रही हैं, फिर यूँ कह सकते हैं कि वह कतरा रही हैं। खैर, इस मामले पर लगातार विपक्षी दल उन्हें घेर रहे हैं और साथ ही उनसे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBN 9 न्यूज़। धन्यवाद।